फीडबैक मिला है क्या लोगों ने? आई नो कि ये सब डायरेक्टर का है, बट आप डायरेक्टर की वाइफ हो? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स अभी तक इंटरवल के बाद ही मिली हूँ मैं लोगों को, तो उनको बहुत अच्छी लग रही है, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत खुशी की बात है. एंड उम्मीद करती हूँ कि लोगों को पूरी पिक्चर अच्छी लगे और वो जाके और भी लोगों को बताएं कि वो जाके ये फिल्म कल से देखें थिएटर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यस, दैट्स ऑल आई कैन विश माई हस्बैंड. तो अभी हैप्पी है कि डेब्यू डायरेक्टर की डेब्यू फिल्म लोगों को पसंद आ रही है? ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी. मेरे हस्बैंड की फिल्म है विश्वास की, और उन्होंने लिखी है, डायरेक्ट की है, पहली फिल्म है. और अभी बहुत जल्दी है, मतलब आज कल रिलीज़ हो रही है, तो मैं ऑफ कोर्स यही उम्मीद रखती हूँ कि लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, बिकॉज इट्स वी डोंट हैव अ स्टार, इट्स मोर ऑफ द कंटेंट एंड वी हैव सम अमेजिंग एक्टर्स. इन फ्यूचर हम देखेंगे कि जो डेब्यू डायरेक्टर है, आई मीन योर हस्बैंड है जी, आपको कभी डायरेक्ट करेंगे? ऐसे हम ऐसी प्लानिंग ऐसी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, नहीं बातें ऐसी वाली इस फिल्म को लेकर तो बिल्कुल नहीं हुई. आगे ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर कुछ होगा तो हम वैसे बहुत प्रोफेशनल हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हुआ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट. ओके मैम, आपके तरफ से कुछ इनपुट था व्हाई डायरेक्शन जब सर लिख रहे थे या कुछ? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस हमेशा करते हैं, पहले सीन जो लिखा है तब से लेके आज तक हर चीज़ डिस्कस हुई है, कास्टिंग डिस्कस हुई है, प्रोडक्शन डिस्कस हुआ है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है. तो ऑफ कोर्स मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म मेरे लिए भी है, हमारे घर के लिए भी है, तो हर चीज़ डेफिनेटली डिस्कस होती है. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और फिर पति पत्नी हैं, तो प्रोफेशनल इज़ अ वेरी ग्रेट रैपो दैट वी शेयर, और हर चीज़ हम एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं. तो आई थिंक फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट प्राउड मोमेंट, आई एम वेरी हैप्पी. ओके, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही फैंटास्टिक डांसर एज अ कथक, और बहुत जन ऐसा चाहते हैं कि आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोलें, सो दे कैन ट्रेन. सो ऐसा कोई प्लानिंग आप फ्यूचर में? नहीं, प्लानिंग है, ज़रूर है, ऑफकोर्स है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं दो अलग अलग प्रोफेशंस में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्टिंग भी है, डांस भी है, मेरी बेटी है 9 साल की. इवेंचुअली प्लान है इंस्टीट्यूट का, मैं तभी करूँगी जब मेरे पास पूरा वक्त मैं उसे दे पाऊँगी, तो दैट इज़ इन द पाइपलाइन, होगा ज़रूर. अगर